हाय hey गाइस आप सबका फिर से एक बार अर्जुन खड़े फिटनेस पे स्वागत है और आपको टाइटल पढ़ते हैं आइडिया आ चुका हूँ आज किस बारे में बात होने है पाँच ऐसी चीज़ें आपको बताऊंगा जो आपको वर्कआउट के बाद ज़रूर करना है अगर ये पांच चीज़ें आप फॉलो करते वर्कआउट के बाद तो आपको रिकवरी जल्दी होने में मदद होगी रिकवरी जल्दी होगी इंजरी कम होगी और जो आपका गोल है अचीव करने में भी हेल्प होगी देन फर्स्ट ईट प्रोटीन कार्ब एंड फैट आफ्टर योर वर्कआउट तीस के साठ मिनट के अंदर अंदर आपको ये तीनों चीज़ें लेना है जिसमें कार्ब भी होना चाहिए फैट भी होना चाहिए और प्रोटीन भी होना चाहिए ये तीनों चीज़ें आपको इमिजिएटली वर्कआउट क्यों लेना है क्योंकि जब भी हम वर्कआउट करते हैं पूरे एनर्जी के साथ पूरा कार्बोहाइड्रेट एनर्जी वो पूरी चल जाती है वर्कआउट में और हम जो खाते हैं वर्कआउट के इमीजिएट थर्टी टू सिक्सटी मिनट के अंदर जो जल्दी से डाइजेस्ट भी हो जाता है वर्कआउट के वर्कआउट के दौरान जो मसल इंजरी हुई है अंदर से वो मसल रिकवर होने में हेल्प होती है इसलिए आपको प्रोटीन काब और फैट वर्कआउट के तुरंत बाद लेना है थर्टी टू सिक्सटी मिनट के अंदर देन सेकंड ड्रिंक ऑफ वाटर वर्कआउट के दौरान पूरा पसीने से आपकी बॉडी पूरी डिहाइड्रेशन हो जाती है और वर्कआउट के बाद बॉडी को वाटर की इमीडिएट रिक्वायरमेंट हो जाती है इसलिए वर्कआउट के तुरंत बाद आपको मिनिमम 500 हंड्रेड एम एल वाटर आपको पीना है आधा लीटर आपको पानी तुरंत वर्कआउट के बाद पी लेना है जिससे आपको डिहाइड्रेशन ना हो देन थर्ड टेक अ कोल्ड वाटर शावर अगर आपके घर में बात है तो आप आइस बार थेरेपी ले सकते हैं अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं उसके लिए आपको ठंडे पानी से नहाना है सिंपल आयद ठंडे पानी से नहाना है ड्यूरिंग द वर्कआउट जो पसीने से पूरी बॉडी गंदी हो चुकी है वो क्लीन होने में हेल्प होती है ठंडे कोल्ड वाटर शावर से सेकंड तो जब भी हम कोल्ड ठंडे पानी से नहाते हैं तो अपनी बॉडी का ऑटोमेटिकली टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है टेम्परेचर इंक्रीज़ होने से ब्लड फ्लो अच्छा हो जाता है पूरी बॉडी में और मसल रिकवरी होने में हेल्प होती है कोल्ड वाटर शावर से इसलिए आपका वर्कआउट आपको कोल्ड वाटर शावर लेना है मतलब ठंडे पानी से नहाना है सिंपल एज देन फोर्थ मसाज योर बॉडी आफ्टर वर्कआउट अगर आपको मसाज के बारे में पूरा डिटेल में चाहिए तो डिटेल में मेरा अपने चैनल पे है और ऊपर आई बटन पे भी आपको उसकी लिंक मिल जाएगी वहां जाके आप चेक कर सकते हो मसाज के क्या-क्या बेनिफिट है आपके लिए मसाज करने से बॉडी के अंदर पूरा ब्लड फ्लो बढ़ जाता है जिस जगह मसाज करोगे उस जगह अच्छा मसाज ब्लड फ्लो जाता है ब्लड फ्लो अच्छा होने जाने से रिकवरी के लिए हेल्प होती है इसलिए आपको वर्कआउट के बाद मसाज करना है देन फिफ्थ स्ट्रेचिंग स्ट्रेचिंग में आपको डायनामिक स्ट्रेचिंग नहीं करना है स्टैटिक स्ट्रेच स्ट्रेचिंग करना है स्टैटिक स्ट्रेचिंग मीन्स जो भी आप स्ट्रेच करें फॉर एग्जाम्पल आप ट्राइसेप ऐसे स्ट्रेच करो तो इस पोजिशन को आपको ट्वेंटी टू थर्टी सेकंड होल्ड करना है उसको कहते हैं स्टैटिक स्ट्रेचिंग ऐसे स्ट्रेचिंग जिसमें आपको 20 से 10 से 20 सेकंड होल्ड करना है ऐसे स्ट्रेचिंग आपको वर्कआउट की बात करना है इससे क्या होता है मसल पूरे रिलैक्स हो जाते हैं आफ्टर वर्कआउट जो मसल के अंदर स्टिफनेस रहती है वो पूरी रिलैक्स हो जाती है मसल रिकवर होने में हेल्थ होती है और यही तक था इस वीडियो में आई होप दिस वीडियो हेल्प यू सी यू सून इन नेक्स्ट वर्कआउट वीडियो तब तक के लिए गुड बाय टेक केयर